शायद आप सोच रहे हैं, शुरुआत है ये ना, तो ये शुरुआत है और ना ही अंत है ये। ये है एक प्रलय धारा, इस धारा को रोकना है या इसे और तेज करना है, इससे बचना है या खुद को तबाह करना है, ये सब ना सोचें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि हमारी सोच की पहुंच वहां तक बिल्कुल नहीं है। ये घटना है हम सब। अरे यार इतनी शाम हो गई है, कोई खेलने नहीं आया अभी तक यार। अरे वैसे दो चार लोग हैं, किसी और को बुला लेते हैं। सब लोग दो चार लोग में क्या हो गया यार, वॉलीबॉल लाए खेलने के लिए। मिंटू भी आया गांव शहर से, तू उसे बुला लेते हैं सब खेलेंगे। एक लोग से क्या हो जाएगा, बट एक काम करो जाओ तुम सबको बुला के लाओ घर से। वो आया है दो चार लोग और, ठीक है मैं वही बुला के लाता हूँ। हाँ अरे आ गया आ गया आ गया मिंटू मिंटू। अरे भाई 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 चलो वॉलीबॉल खेलते हैं। बैठो बैठो भाई भाई। अरे यार रुको यार, पबजी मेरा क्या कर रहा, कंप्लीट हो रहा है यार। मैं कौन सा मिशन भाई? ओए ओए मैं मोबाइल क्या क्या कर रहे यार। मोबाइल में कौन सा मिशन यार, खेलने के लिए गेम यार तुम लोग। हमारा गजब आदमी है यार। चलो वॉलीबॉल खेलने चलो चलो। तुम कर क्या रहे हो उसमें? अरे भाई तुम लोग पबजी उबजी खेलते हो? पबजी पबजी क्या है ये, क्या होता है? गंवार ही रह गए एकदम से। वैसे है क्या बता, जिंदगी भर फुटबॉल गुल्ली डंडा ही खेलते रह जाओगे, पता नहीं कौन सी। भाई हमें भी बताओ यार क्या ये कौन सा खेल होता है। देखो ऐसे ही होते। अरे वो तो मार रहा है उसको। हाँ। अरे मर गया वो तो। और फिर यहाँ से उदय होता है मानव के स्वविध्वंस की पहली सीढ़ी का। जी हाँ, मोबाइल फोन, एक ऐसा यंत्र जिसको लोगों को करीब लाने के लिए बनाया गया, परंतु परिणाम ये हुआ कि ये यंत्र ही मनुष्य से मनुष्य की दूरी का कारक बना। देखते ही देखते ये यंत्र बच्चे बूढ़े नौजवान सभी के पास उपलब्ध होने लगा। लोग एकांत ढूंढने लगे, लोग स्वार्थी होने लगे, लोग निर्दयी होने लगे और इतने क्रूर कि जिस प्रकृति से वे उत्पन्न हुए थे उसी को कष्ट देने में उन्हें जरा भी संकोच न होता। संसार में धीरे धीरे व्याप्त होने लगा पॉर्न जगत, गंदगी, जीव हत्या, लूट मार, बलात्कार रूपी अनेक महामारी। नीचता इतनी बढ़ने लगी कि लोग 6-8 महीने की बच्चियों के साथ बलात्कार करने लगे। कोई ऐसा जीव न बचा जिसे लोग अपना आहार न बनाते हों। प्रकृति कराह उठी थी और उसे था अपनी बारी का इंतजार, और आखिर वो घड़ी आ ही गई। सन 2020 शुरुआत हुआ प्रकृति के कहर का एक महामारी कोरोना के रूप में, और न जाने कितने महामारी इसी तरह दिन ब दिन आते गए। लोग समाप्त होते गए, पृथ्वी निर्जन होने लगी, सूखा भूखमरी इतनी बढ़ी कि ना के बराबर ही लोग बच पाए। Ugh.
क्या हुआ आलोक? हार मान गए? अभी और कितनी सांसें बची हैं? क्या पड़ा है इस वीरान जमीन पे तुम्हारे लिए जो अपनी सांसों के लिए इतनी जद्दोजहद कर रहे हो? और अकेले तुम कर भी क्या सकते हो इस बियाबा में? छोड़ दो ये जंग, मान लो अपनी हार, कुछ भी नहीं तुम्हारे बस में, कुछ भी नहीं तुम्हारे बस में। नहीं, मैं नहीं हारूंगा, मैं नहीं हारूंगा। इस धरती का रंग आज लाल है, इसलिए नहीं कि आज अरबों लोगों का खून यहाँ पर फैला हुआ है, बल्कि इसलिए कि इस धरती ने उन जख्मों को कुरेद कुरेद कर अपना खून बहाया है जो जख्म हम इंसानों ने से दिए हैं। जब से इंसान इस धरती पर आया, तब से इस धरती को वो हर जख्म दिया जिससे आज इस धरती का गुस्सा लावा की तरफ फूटा है। हम भूल गए कि जब धरती को दर्द होता है तो हमें कैसा दर्द देती है। ये तबाही एक तोहफा है जो हमें हमारे हैवानियत के बदले मिला है। ये कायनात खुद की कीमत वसूलना जानती है और ये कीमत हमें अपनी जान देकर चुकानी होगी। मेरा नाम आलोक है और मैं एक इंसान हूँ। हाँ, शायद इतने इंसान नहीं बचे हैं जिनसे मैं ये मांग सकूँ कि अब जितना बचा है उसे वो उसी तरह सजा लें जैसे धरती हमारी जिंदगी संवारती है। मगर फिर भी इस खाली वीरान जमीन पे आने वाली नस्लों से आवाज़ उठाकर ये कहना चाहूँगा कि फिर कभी धरती को इतना दर्द ना दे कि वो दर्द से इतना चीख दे कि कभी दूसरों को दर्द पहुंचाने का मौका ही ना दे।